फैक्टर्स डैट इफ़ेक्ट क्लाइमेट, यानी फैक्टर्स जो क्लाइमेट को इफ़ेक्ट करते हैं वो हमने इसमें रीड करने हैं। फर्स्ट है टेम्परेचर। टेम्परेचर ग्रेटली इफेक्ट्स द वेदर थ्रू आउट द वर्ल्ड। जो टेम्परेचर है वो पूरा साल जो है मौसम की कंडीशन को जो है मौसम को असरअंदाज करता है। वो इसलिए क्योंकि जो सन का सेंटर वाला पार्ट होता है वो हमने पढ़ा है कि उसे इक्वेटर कहते हैं। उसकी सन की एक साइड जो है इक्वेटर से सन जो है वो टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। एक पार्ट उसका नॉर्थ पोल होता है और एक पार्ट जो उसका साउथ पोल होता है। और जो सन की रेज़ हैं, जब सूरज की जो शुआएं वो इक्वेटर पर पड़ती हैं तो इक्वेटर पर वो जो है उसमें डिस्टेंस जो है वो शॉर्ट डिस्टेंस होता है इक्वेटर और सन के दरमियान। और जो साइड्स पर पड़ती हैं रेज़ जो नॉर्थ पोल पे या साउथ पोल में पड़ेंगी वो जो हैं क्या कहते हैं वहाँ पे रेज़ जो हैं वो ज़्यादा डिस्टेंस पर होती हैं। अब इसमें देखें कि उसने कहा है कि दिस इज़ बिकॉज ऑफ अनइक्वल अमाउंट ऑफ हीट रिसीव फ्रॉम द सन, यानी जो सन की हीट के अमाउंट है जो सन से रिसीव हो रही है वो अनइक्वल होती है। वो हर नॉर्थ पोल और साउथ पोल और इक्वेटर तीनों में एक जैसी नहीं ट्रांसफ़र हो रही होती। टेम्परेचर में सबसे बड़ा डिफरेंस ये है वाक्य टेम्परेचर व अकर्स में, यानी टेम्परेचर के वाक्य होने में सबसे बड़ा डिफरेंस ये है बिकॉज जो इक्वेटर से फासले पर जो टेम्परेचर होता है, इक्वेटर से फासले पर जो साइड है जो एरिया जो इक्वेटर के फासले पर होती हैं वहाँ पर जो है लीस्ट अमाउंट ऑफ हीट रिसीव की जाती है एज़ कम्पेयर।